गाइस, वेलकम टू माय चैनल एसके प्लांट केयर। इस वीडियो में मैं आप लोगों को हिबिस्कस प्लांट की कंप्लीट केयरिंग टिप्स बताने वाली हूं और साथ में आप हिबिस्कस प्लांट को कैसे वाटर से ग्रो कर सकते हैं ये बताऊंगी। आप देख सकते हैं मेरे पास ये प्लांट, इसकी जो कटिंग है हिबिस्कस प्लांट की, इसको मैंने कटिंग से ग्रो किया है वाटर में। ये 10 दिन का रिजल्ट है। 10 दिन में इसमें कितनी सारी लिप्स आ गई हैं और आप इसके रूट्स भी देख सकते हैं, नीचे वाइट छोटे छोटे इसके रूट्स दिखाई दे रहे होंगे। तो इजली हम अपने ये जो गुड़हल का प्लांट है इसको हम वाटर में ग्रो कर सकते हैं और साथ में इसमें कौन सा फर्टिलाइजर डालना चाहिए और जिससे इसकी फ्लावरिंग अच्छी हो, ये भी मैं आपको विथ रिजल्ट इस वीडियो में बताने वाली हूँ। So let's start. हिबिस्कस प्लांट की बहुत सारी वैरायटी अवेलेबल है। इसका जो देसी वैरायटीज में भी बहुत सारे कलर्स के हिबिस्कस प्लांट्स आते हैं और हाइब्रिड में भी, तो बहुत ही आसानी से ग्रो करने वाला प्लांट है ये। इसे हम कटिंग से बहुत आसानी से ग्रो कर सकते हैं सॉयल में भी और वाटर में भी। तो सबसे पहले हम इसके बारे में बात करने वाले हैं सनलाइट की। हिबिस्कस प्लांट में अच्छी अगर फ्लावरिंग चाहते हैं तो इसे हमको फुल सनलाइट में लगाना चाहिए, चाहे आप इसे कंटेनर में लगा रहे हैं या फिर आप अपने गार्डन के ग्राउंड पे इसे लगा रहे हैं। तो हमको ये ध्यान देना चाहिए कि इस प्लांट पे अच्छा धूप पड़े, 6 to 7 hours की इसमें धूप पड़े। फ्लावरिंग प्लांट के लिए सनलाइट बहुत ज़रूरी होता है। नेक्स्ट है वाटरिंग। हम इसमें रेगुलरली वाटरिंग कर सकते हैं, समर के टाइम पे हम इसमें 2 times भी वाटर डाल सकते हैं। और हमारा जो पॉटिंग मिक्स है उसमें हमको ध्यान देना चाहिए कि वो वेल ड्रेन हो, पानी उसमें ठहरे ना। तो लगाते समय हम इसमें कोकोपीट या कोकोनट फाइबर मिला के कंटेनर में लगा सकते हैं जिससे इसका जो ड्रेनेज है वो अच्छा हो। नेक्स्ट है फर्टिलाइजर। हिबिस्कस प्लांट में हम अगर रेगुलरली कंटिन्यूसली फ्लावरिंग चाहते हैं तो हम इसमें फर्टिलाइजर हमको इसमें डालना चाहिए। सरसों की जो खली होती है उसका जो फर्टिलाइजर बना के हम इसमें डाल सकते हैं, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, वर्मी कंपोस्ट, किचन वेस्ट से जो भी निकलता है उसका हम कंपोस्ट तैयार करके इसमें डाल सकते हैं। सरसों की खली की जो खाद बनाते हैं उस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है। अगर आप मेरे इस वीडियो पर नए हैं तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से देख सकते हैं। बहुत ही इफेक्टिव फर्टिलाइजर है ये। मैं आपको इसका रिजल्ट भी दिखाऊंगी इस वीडियो के लास्ट में। सरसों की खली का जो भी फर्टिलाइजर हम अपने हिबिस्कस प्लांट में डालते हैं बहुत ज़्यादा अच्छी इसकी ग्रोथ होती है और बहुत अच्छी इसमें फ्लावरिंग होती है। नेक्स्ट है इसकी कटिंग। तो कटिंग हम इसमें हार्ड कटिंग आफ्टर इसकी फ्लावरिंग कर सकते हैं। अगर हम अपने हिबिस्कस प्लांट का जो साइज है उसको कंट्रोल करना चाहते हैं तो कटिंग कर सकते हैं इसमें, ताकि उसमें नया ग्रोथ और हमारा जो प्लांट है वो घना हो। नेक्स्ट है हम इसका प्रोपोगेशन, कटिंग से हम अपने प्लांट को कैसे लगा सकते हैं। तो हम इस प्लांट को वाटर में भी लगा सकते हैं और सॉइल में भी लगा सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे वाटर प्रोपोगेशन करके दिखाने वाली हूँ कि कैसे आप लोग हिबिस्कस प्लांट को वाटर पे ग्रो कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने ये 2 cuttings ली हुई है गुड़हल के प्लांट की। तो सबसे पहले हमको करना ये है, जितनी भी लिप्स आप इसमें देख रहे हैं सारी लिप्स को इससे हटा देना है। तो जल्दी से मैं पहले इस प्लांट की पूरी जो भी लिप्स है कटिंग की वो हटा देती हूँ। लिप्स को इससे हटाने के बाद हमको इस कटिंग के नीचे आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हल्का सा जो इसके ऊपर की जो ये लेयर है इसको हल्का सा स्क्रैच करना है इस तरीके से। हल्का सा आप देख सकते हैं मैंने ऊपर की जो स्क्रीन है जो इसकी स्किन पे स्केच किया हुआ है। कम्प्लीटली हमको इसकी जो लिप्स है उसको पूरा रिमूव कर देना है। गुड़हल के प्लांट में मिली बग्स और
वाइट फ्लाइज का अटैक होते रहता है, उससे बचने के लिए हम इसमें लिक्विड सोप का यूज़ कर सकते हैं। स्प्रे बॉटल में आप हैंड वॉश या लिक्विड सोप को उसका सॉल्यूशन बना के अपने प्लांट पे स्प्रे करते हैं तो ये जो प्रॉब्लम है वो जल्दी ख़त्म हो जाती है। तो आप देख सकते हैं मैंने इसकी लीव्स पूरी तरीके से निकाल दी है और इसकी जो बॉटम का जो ये स्किन है ऊपर का लेयर उसको भी मैंने हल्का सा इसके ऊपर स्क्रैच कर दिया है। तो बस हमको एक किसी भी कांच का ग्लास भी यूज़ कर सकते हैं आप लोग, मैं यहाँ पे प्लास्टिक का ग्लास ये यूज़ कर रही हूँ। इसमें हमको अपने जो ये कटिंग है उसको डिप कर देना है और इसको हमको सनलाइट से बचाना है, इनडायरेक्ट जहाँ पे सनलाइट आती हो वहाँ पे रखना है। मैं आपको इसका रिज़ल्ट दिखाती हूँ आफ्टर 4 to 5 days। आप देख सकते हैं इसमें रूट्स आ गई हैं, वाइट वाइट आपको यहाँ पे छोटा छोटा दिख रहा होगा, इसके रूट्स निकल चुके हैं और लिप्स भी इसमें आना स्टार्ट हो रही हैं। आप देख सकते हैं छोटा छोटा यहाँ पे ग्रोथ दिखाई दे रहा है रूट्स के साथ में। ये सिर्फ 4 to 5 days का रिज़ल्ट है। नेक्स्ट आपको यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ 10 days का। आप देख सकते हैं इसमें कितनी अच्छा मतलब ग्रोथ हो गया है, आप रूट्स देख सकते हैं इसकी एंड लिप्स भी इसमें स्टार्ट हो गई हैं ग्रो होना। मैंने यहाँ पे 3-4 कटिंग इसमें डाला हुआ था, सब में ग्रोथ अच्छी हुई है, रूट्स एंड लिप्स इसमें नए निकल आए हैं। तो बस हमको अब इसको पॉट में लगा सकते हैं। पॉट में लगाने के लिए हमको इसमें पॉटिंग मिक्स तैयार करना होगा। पॉटिंग मिक्स के ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी जहाँ से आप देख सकते हैं। मैंने इसमें गार्डन का सॉइल, सैंड एंड वर्मी कंपोस्ट मिलाकर ये पॉटिंग मिक्स तैयार किया है। तो इसको हमको सबसे पहले जो ये सरफेस है इस पर हल्का सा मतलब यहाँ पे फिंगर से जो इसकी जो सॉइल है उसको हटाना है। देन हम इस पर सीधा इसको इस तरीके से रख कर मिट्टी से ढक देंगे। और इस पॉट को हमको ऐसी जगह में रखना है जहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट ना आती हो और हम इसमें रेगुलर वाटरिंग कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम इजली अपने हिबिस्किस प्लांट को वाटर से प्रोपोगेट कर सकते हैं। आप यहाँ पे रिजल्ट दे सकते हैं मेरे हिबिस्किस प्लांट में कितनी सारी फ्लावरिंग हुई है। मैंने इसमें मस्टर्ड केक फर्टिलाइज़र डाला था। हमको अपने गुड़हल के प्लांट में हर 15 दिन में मस्टर्ड केक का फर्टिलाइज़र डालना चाहिए। आप ग्रोथ देख सकते हैं मेरे प्लांट की कितनी अच्छी है, कितने सारे नए नए इसमें बर्ड्स निकल रहे हैं और कितनी अच्छी इसमें फ्लावरिंग हो रही है। अगर आप भी अपने हिबिस्किस के प्लांट में अच्छी फ्लावरिंग चाहते हैं तो उसमें मस्टर्ड केक का फर्टिलाइज़र ज़रूर डालें। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए और आप मेरे इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।